नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर शर्मा जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे देश में एक समस्या ऐसी देखी जा रही है, खास तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 40 साल से ज़्यादा के लोगों में, वो समस्या ये है कि खून बहुत गाढ़ा हो जाता है शरीर में। खून गाढ़ा होना, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खून का गाढ़ा होना, ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, वो एक बहुत खतरनाक स्थिति है और कभी-कभी ये स्थिति जानलेवा भी साबित हो जाती है। मित्रों, खून के गाढ़ा होने पर जो ब्लड पतला नहीं रहता है, गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल फ्लो नहीं कर पाता है, उसके कई सारे कारण रहते हैं। आइए हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, शरीर में ब्लड गाढ़ा हो जाता है और वो ठीक ढंग से हमारी जो खून की नलियां हैं, नसें हैं, उनमें ठीक से बह नहीं पाता, ठीक से उसका फ्लो नहीं हो पाता है। इस वजह से वो हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता है। उस वजह से क्लॉटिंग आना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं ब्लड रुक जाता है और ये बहुत जानलेवा स्थिति हो सकती है। अगर ये मस्तिष्क में रुक जाए तो ब्रेन डेड हो सकता है, हार्ट के आसपास रुक जाए तो हार्ट फेल हो सकता है, किडनी, लीवर, शरीर के किसी भी अंग के आसपास अगर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, रुक जाता है, तो स्थितियां बहुत डरावनी हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है, आपातकालीन स्थिति हो सकती है और आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मित्रों, ये एक बहुत संवेदनशील विषय है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर आप इस किसी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से इलाज करवाएं, ट्रीटमेंट लें, परामर्श लें, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। मित्रों, खून गाढ़ा होना किसी भी कारण से हो सकता है शरीर में, या जेनेटिक कारण, जो अनुवांशिक कारण चलते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, शरीर में फैट बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रेस, तनाव और एन्जाइटी के शिकार हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपके शरीर में पानी की मात्रा कम है, या बहुत ज़्यादा आप ठंडे या गर्म वातावरण में काम करते हैं, उस वजह से भी आपका खून गाढ़ा हो सकता है। मित्रों, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं। शरीर में हार्मोन का संतुलन नहीं है, उसकी वजह से भी खून गाढ़ा हो सकता है। आप में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, आपका खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है, आपकी दिनचर्या बिगड़ चुकी है, आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, कई सारे कारण हैं जो आपके खून को धीरे धीरे आने वाले समय में गाढ़ा कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सटीक और कुछ ऐसे अच्छे घरेलू नुस्खे या उपाय लेकर के आया हूं, जिनकी वजह से आपको धीरे धीरे इस समस्या में फायदा होना शुरू होगा। और ये बहुत साधारण से उपाय हैं जिनको आप अपने डॉक्टर के इलाज के साथ साथ भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, डॉक्टर से परामर्श लेकर के भी कर सकते हैं। इसमें ये कोई बहुत कठिन उपाय भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ब्लड थिनर, जिसे हम कहते हैं कि खून को जो पतला करना होता है ताकि वो हमारे पूरे शरीर में बहुत आसानी से और बहुत सरलता से बह सके, हमारी शरीर की नसों में कहीं रुकावट नहीं आए, उसके लिए मैं कुछ साधारण से घरेलू ब्लड थिनर के बारे में आपको बताऊंगा कि
कि खून को पतला कैसे करें, तो आइए देखते हैं। मित्रों, ब्लड थिनर करने में जो सबसे पहला नंबर आता है वो है प्याज का। जो हम प्रतिदिन अपने जीवन में प्याज का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्याज का प्रयोग आपको कच्चे रूप में करना है, सलाद के रूप में करना है। पका करके प्याज का सेवन करेंगे, इससे खून पतला नहीं होगा। लेकिन प्याज को अगर आप कच्चे रूप में, सलाद के रूप में, भोजन के साथ सेवन करेंगे तो ये आपके खून को पतला रखने में बहुत सहायता करता है। और अगर आप चाहें, आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार आप एक चम्मच प्याज का रस निकाल करके, और अगर आपको और उसको जो उसका तीखापन होता है कम करना हो, तो उसमें बहुत कम मात्रा में शहद मिला करके भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्लड थिनर है और आपके खून को पतला करने में बहुत सहायता करेगा। तीसरी बात, जो प्राय एक मसाला हम टेस्ट के लिए काम लेते हैं, वो है दालचीनी। सभी घरों में दालचीनी मिल जाती है। दालचीनी का सेवन आप अवश्य करें। उसे आप पानी में उबाल करके, बहुत कम मात्रा ली जाती है, उसकी बहुत ही कम मात्रा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो गर्म प्रकृति की होती है, तो दालचीनी का सेवन कम मात्रा में करें। फिर एक बाजार में या फिर आयुर्वेदिक जो प्रमुख स्टोर होती है वहां पर अर्जुन की छाल, आप नोट कर लीजिए, अर्जुन की छाल मिलती है। उस अर्जुन की छाल को आप उबाल करके पिए तो ये बहुत अच्छा ब्लड थिनर माना गया है, खून को पतला करने में बहुत कारगर साबित होता है। अर्जुन की छाल और दालचीनी, आप इन दोनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे एक चम्मच अर्जुन की छाल ले ली तो लगभग आप दालचीनी लीजिए मेरे इस नाखून के बराबर, इस अंगुली के नाखून के बराबर, आप इतनी सी थोड़ी सी मात्रा में जो है दालचीनी आप ले सकते हैं, और वो अर्जुन की छाल और दालचीनी को उबाल करके एक गिलास पानी में उबाल लीजिए, और वो उबलते उबलते जब एक कप जितनी मात्रा रह जाए उस पानी की, तब आप उसको ठंडा करके पी लीजिए। ये बहुत उत्तम कोटि का ब्लड थिनर हो जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा रहेगा, और खून को पतला करने में भी बहुत सहायता करेगा। फिर एक जो सब्जी है जिसे हम जीवन भर प्रयोग करते आए हैं, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे, वो है लौकी। लौकी की सब्जी, उसका सलाद, उसका जूस, आप किसी भी फॉर्मेट में लौकी का उपयोग कीजिए, आपके लिए ये बहुत स्वास्थ्य प्रदान करेगी। खास तौर से लौकी फायदा करती है जब आप उसे मीठी लौकी, कड़वी नहीं होनी चाहिए, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाजार से कड़वी लौकी लेकर के आ गए तो वो आपके शरीर में नुकसान करेगी, इसलिए आप ध्यान रखें। लौकी लाएं तो लौकी को टेस्ट करके एक बार आप देख लें कि वो मीठी होनी चाहिए, तभी आप उसका सेवन करें, वरना उसे फेंक दें। तो जो लौकी है जो टेस्ट में मीठी है, वो लौकी आप उसको सलाद के रूप में खाएं या फिर उसको जूस बना करके पिएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, लौकी का जूस बहुत ठंडा होता है, शरीर में ठंडक देने वाला होता है, तो ध्यान रखें। जिनको सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, नजला, साइनस, फेफड़ों की कोई बीमारी है, वो लोग उसका सेवन या तो नहीं करें, या फिर अगर करना चाहते हैं तो फिर अपने शरीर की क्षमता को ध्यान में रखते हुए लौकी के जूस को उसमें तुलसी पत्र डाल सकते हैं, एक दो चार तुलसी पत्र डाल दें, कुछ उसमें एक से दो काली मिर्च कूट करके डाल दें, फिर उस जूस को बना करके आप उसका सेवन करें, तो उसकी जो ठंडी प्रकृति है वो थोड़ी सामान्य हो जाएगी, तो कफ प्रकृति वालों के लिए भी फायदा कर सकती है। तो लौकी का जूस भी बहुत अच्छा ब्लड थिनर है, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये लौकी बहुत कारगर साबित होती है। इसके लिए आप इसका एक आधे कप से लेकर के एक कप आप इसका जूस अगर प्रतिदिन पीते हैं तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है ये लौकी का जूस। इसका सलाद का सेवन कर सकते हैं, जिनको जूस में टेस्ट नहीं आता वो इतनी सी छोटी कटोरी में आप सलाद का सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह, तो वो आपको फायदा करेगी, वो और अच्छा है, उसमें फाइबर भी जाएगा शरीर में, तो आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ सावधानियां रखें। देखिए,
छोटी छोटी सावधानियां मैं आपको बताने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। पानी खूब पिए, ब्लड अगर गाढ़ा हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर आप कॉमन सेंस लगाइए, कोई चीज़ गाढ़ी हो रही है तो उसमें अगर पानी मिलाएंगे तो वो पतली हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप खूब पानी पीजिए। तो चाहे मौसम कोई भी हो, आपको मौसम की चिंता नहीं करनी है। आपको अगर गर्मी का मौसम हो तो हम पानी जनरली पीते ही हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में भी आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, बरसात में भी आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है। इससे 365 दिन आपके शरीर में खून पतला रहेगा, ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, चेहरे पर ग्लो बढ़ेगा। फिर खाने पीने का ध्यान रखें, तले भुने पदार्थ, जंक फूड, बाजार की चीज़ें जो मिलती रहती है, कचौड़ी, समोसा, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, कुछ नहीं खाना है। सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि स्ट्रेस नहीं लें, तनाव नहीं लें, जिससे उनका खून गाढ़ा नहीं होगा, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां रहती है, तो वो अपना विशेष तौर से ध्यान रखें, ये मेरी बात आप माने। फिर एक और जो पी सकते हैं, जिनमें पीने की क्षमता है, मैं सभी लोगों के लिए तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग पी सकते हैं और जो पीते हैं वो गोधन अर्क का सेवन करें, जो गौमूत्र से बनता है गोधन अर्क, वो बहुत शरीर की सफाई करता है, खून को पतला रखता है, खून की सफाई करता है, तो आप ये ले सकते हैं। फिर देखिए कि खून जो होता है वो एक बहुत पतले पतले ट्यूब से गुजरता है, हमारे शरीर में बहुत पतली पतली नसें होती हैं, तो उनको स्वस्थ रखने के लिए खून का पतला होना आवश्यक होता है, वरना कहीं पर भी शरीर में अगर क्लॉट आ गया, खास तौर से जो हार्ट के पेशेंट है या जो जिनको कोई दिमाग का कोई इलाज चल रहा है, जिनको कोई शुगर की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को विशेष रूप से अपने खून को पतला रखना ही होता है। तो मित्रों, जो भी मैंने आज बताया, अपने जो गुरुओं से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इससे हमको प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरे इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार फटाफट मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगी है, आपको लगता है कि किसी और के भी ये जानकारी काम आ सकती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।